अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एंड्रॉयड स्टूडियो कोर्स। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है, तो इसमें हम सिंपली क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो हम इसमें एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी का नेम देंगे जो हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। मतलब जो आप एक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका हम अपना नेम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा पैकेज नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे com.example होता है। तो हमें यहाँ पे अपना हिसाब से अपने नाम क्रिएट करना है जो हमें प्ले स्टोर पब्लिश करेंगे, जो पैकेज नेम क्रिएट होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल को डेल करके कुछ अपना खुद से नाम क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिनिश करते हैं इसको। और ये भी एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा एक प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ टाइम लेगा ग्रेडल की फाइल्स बिल्ड होने में। तो इसमें जो बेसिकली ग्रेडल है, तो वो ग्रेडल में हमारी सारी रिपोजिटरी और डायरेक्टरी और डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं। तो ग्रेडल में हमें फर्दर चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट हम एड्स इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें इसमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगे, फर्दर हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो हमें जो अपना डिज़ाइन बनाना है वो हमने बनाना है XML में, और जो जावा में इसके थ्रू कोडिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जावा की क्लास ओपन हो रही है। तो XML अभी ये नीचे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसका प्रोसेस होता है। तो ये होने के बाद फिर हमें व्यू आ जाएगा जहाँ पे हम अपना ईजिली कोड क्रिएट कर सकते हैं विथ ड्रैग एंड ड्रॉप और विथ कोडिंग। XML में हम फर्स्ट यूज़र हैं, फर्स्ट एंड्रॉयड का लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडल जो सिंक हो चुका है, तो ये नीचे लिखा आ गया ग्रेडल सिंक फिनिश्ड। तो ये हमारे पास अभी XML लोड कर रहा है। तो इसमें हम मेन प्रोजेक्ट इसका मकसद ये होगा कि हमें दो एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी में बटन क्रिएट करेंगे और सेकंड एक्टिविटी में हम उस जब हम मूव आउट करेंगे उस एक्टिविटी पे, तो उसमें सिंपली हम टेक्स्ट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो सिंपली हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो ऐप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी में एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम अपना नेम देंगे नेक्स्ट अंडरस्कोर। तो आपने कैपिटल वर्ड नहीं लिखना, हमेशा स्मॉल वर्ड लिखना है, एक्टिव ACT। तो सिंपली हम ACTIVITY, मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी इसको नेम दे देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारे पास ये एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इस मेन जो एक्टिविटी है इस पर हमने नेक्स्ट का बटन क्रिएट करना है जो हमें उस एक्टिविटी में मूव आउट करवाएगा। सिंपली इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बटन क्रिएट करते हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे बटन को, तो ये हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पास बटन क्रिएट हो चुका है। तो इसको सिंपली हम अपने हिसाब से छोटा सा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये हमारा स्टेबल मिड में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिंपल है, इसको जस्ट इसको हमने मिनिमाइज़ करवाना है कि ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो सके। तो ये हमारा बटन यहाँ पे मिड में स्टेबल रहेगा। तो अब हमने इसमें क्या करते हैं कि इसी XML में हम इसको बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे बैकग्राउंड में हम इसका वेरियंट कलर दे देते हैं इसको। तो ये हमारा एक एक्टिविटी बन गई। तो दूसरी एक्टिविटी को भी ऐसे डिज़ाइन करेंगे हम। तो इसका भी सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड में इसका हम कलर दे देते हैं सपोज। तो इसके दो तरीके हैं। तो इसको हम #000, ये है बाय डिफ़ॉल्ट कलर, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें एक्टिविटी पे बैकएंड पे लगाना है। तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास है, इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है। तो फिर वही तरीका
कि हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे मिड में। तो इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको मिड में ले आएंगे। तो इसके हम टेक्स्ट को साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे राइट डाउन करेंगे साइज, टेक्स्ट साइज हम कर सकते हैं 55 SP। तो ये हमारे पास टेक्स्ट साइज ये हो गया। तो इसको टेक्स्ट व्यू की जगह पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो डिज़ाइन में चेंजिंग हो रही होंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो जिसमें हमने एक ऐप क्रिएट की उसमें एक हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हम मेन एक्टिविटी में हम आते हैं। तो हमने ये जो बटन क्रिएट किया था तो इसका हमारे पास बटन का जो आईडी है ये इसको बटन वन आईडी दे देते हैं और इस बटन पे हम जो नेक्स्ट राइट डाउन कर देते हैं ताकि हमें ये रिकॉग्नाइज हो सके कि हमने इस पर क्लिक करके नेक्स्ट मूव आउट होना है। तो सिंपली हम इसके जावा कोड में आएंगे, तो यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे प्राइवेट बटन, इसके हम आईडी देंगे BT1। तो हमने अब इस जावा क्लास को XML के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे BT1 इज इक्वल टू हमने उस आईडी को एक्सेस करना है। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. हमने वहाँ पे बटन वन के नाम से आईडी क्रिएट की थी, तो सिंपली यहाँ पे सेमी कॉलन करेंगे, सॉरी यहाँ पे BT1 आएगा। तो यहाँ पे BT1.setOnClickListener क्लिक लिसनर लगाएंगे ताकि हमें उस बटन पे क्लिक इवेंट एक क्रिएट करेंगे, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हम इंटेंट फिल्टर लगाएंगे कि हमने इस एक्टिविटी पे होते हुए कहाँ पे मूव आउट करना है। तो सिंपल यहाँ पे इंटेंट लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। तो यहाँ पे हमने ये लिखना है कि यहाँ पे इसको ये हमने पास आउट करना है इंटेंट को कि हम किस एक्टिविटी पे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस एक्टिविटी पे मूव आउट होना है। तो हम हमारी जो वर्कआउट कर रहे हैं वो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा लगाएंगे और किस एक्टिविटी में हमने मूव आउट होना है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ये था हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो अब हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हमने इसको इंटेंट पास आउट कर देंगे इंटेंट। तो ये था जो आज का हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जिसमें दो एक्टिविटी हमने क्रिएट की है और इसको दोनों को मूव आउट देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको रन कैसे करेंगे, इस पर एड्स कैसे लगाएंगे, एड मोब के एड्स कैसे लगाएंगे, इसको वर्चुअल डिवाइस पे कैसे रन करेंगे और हमारे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस पर कैसे रन करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, आपके पास नहीं है, तो हम इसमें वर्चुअल डिवाइस से डमी एंड्रॉयड फ़ोन डाउनलोड करेंगे और उस पर हम इसको रन करके मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे रन हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।